और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों गन्ना कैसा बांधते हैं, उसको गन्ना कब बांधना है, कितना महीने में बांधना है दोस्तों, और उसको क्या क्या कैसा बांधना पड़ता है, इस वीडियो में लास्ट तक जानेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। आज की वीडियो जानेंगे दोस्तों गन्ना को कब बांधना है, कैसा उसको कितना गन्ना बांधे जब कितना उसको फायदा कितना होता है, अपने को नुकसान कितना होता दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जानेंगे। ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना दोस्तों, अब सारा डाउट अब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कैसा कैसा इसको बांधना है, कैसा इसको करना है। और ये नीचे गन्ना गिर के कहीं उसको गिरे गन्ना गिरता ना, कैसा उसको अच्छी तरह से उसको बांध सकते हैं। गन्ना जब गिर जाएगा चूहे वो सारा खराब, सुअर वो सब सारा खराब हो जाएगा आपका गन्ना। आप इस टॉपिक पर जानेंगे दोस्तों। 6 फीट गन्ना रहना पड़ता है दोस्तों बांधने के लिए, आपको बांधने को अच्छा आता दोस्तों, गन्ना 6 फीट रहे तो अच्छा आता। और में पानी थोड़ा तो गीला रहना पड़ता दोस्तों, गीला रहेगा जब गन्ना उकड़ने के चांसेस कम रहते हैं दोस्तों, उसको थोड़ा सा गीला रहना पड़ता है खेत में। बहुत सूखे से रहे तो आपका गन्ना सब उकड़ जाता दोस्तों। कैसा कैसा ये देखिए कैसा बांध रहे हैं, देख सकते हैं ऐसा आपको भी बनना है दोस्तों। देखिए इधर गन्ना, और गन्ना को एकदम अच्छे तरीके से बांधना पड़ता है दोस्तों। कितना आप गन्ना बांधेंगे उतना अच्छा आपका रहेगा दोस्तों, कितना आपका उतना फायदा रहेगा। चूहे चूहे का डर नहीं रहता, कुछ गिरने का डर नहीं रहता, आपका गन्ना स्वस्थ और बढ़िया गन्ना लगता, और वजनदार भी गन्ना आता आपका, अच्छा एकदम अच्छा गन्ना होता दोस्तों। ऐसा आपको भी सारा डिटेल में करना है। ये सूखा पत्ती से बांधना है दोस्तों, गीला पत्ती से बांधे तो वो छूटने का डर रहता। आप ये सूखा पत्ती से बांधना गन्ने को, सूखा पत्ती से बांधे तो गन्ने को अच्छा आपको भी गिरने का टूटने का डर नहीं रहता दोस्तों। पाँच छः गन्ना लेके बांध सकते हैं दोस्तों, ऐसा आपको भी पाँच छः गन्ना लेके बांधना है। और एक सरी में पूरा एक सरी में पहले छः महीना हो गए तो एक सरी में एक बार बांधना पड़ता दोस्तों, उसको दो बार एक बाद में, और एक 10 महीने 9 महीने हो गए तो दोनों को लेकर दोनों मिलाकर बांध देना है दोस्तों। जब आपका अच्छा तरीका से उसको गिरने का डर कम खत्म हो जाता है दोस्तों, आपका भी गन्ना अच्छा वजनदार रहता, आपका गिरने का डर कम हो जाता, आपका वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे आपको फायदा मुनाफा कर लेना है। आपको भी ऐसा बनना है दोस्तों, ऐसा बांधे तो आपका गन्ना स्वस्थ और वजनदार भी। आपको आज का तरीका कैसा लगा दोस्तों, आपको आज का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन ऑन करें तो मैं पहले मेरे चैनल पर वीडियो डालूंगा। आप तो जल्दी से जल्दी आज की वीडियो में इधर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।